हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम टू 11th क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ गोइंग ऑन। और इस चैप्टर में टुडेस जो अपना टॉपिक है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन। देखो, डी ब्रोगली जो एक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने बताया था कि जो ऊपर जो मैटर होता है, उस मैटर की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, ड्यूअल नेचर होती है। इन्होंने मैटर की ड्यूअल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपका सिलेबस जारी हो चुका है 2021 एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी 11th क्लास है और इस क्लास में आप अगर चैप्टर्स को ठीक प्रकार से, सभी चैप्टर्स को, पूरे चैप्टर को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ही आपको प्रॉफिट हो पाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और जो मेन नॉलेज आपको मिलती है वो 11th क्लास में ही मिलती है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि हमको सिलेबस घटा दिया गया है तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना सिलेबस हमको दिया गया है। तो कोशिश करो आप पूरा सिलेबस पढ़ पाओ, ठीक है ना। क्योंकि अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड चैप्टर को जितना पढ़ाया है वो पूरा पूरा डिलीट हो चुका है ना। और जो मैं आज टॉपिक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है, ठीक है ना। लेकिन हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो हमको, क्योंकि नॉलेज लेनी है, तो नॉलेज के लिए जिससे हमको पता चले कि केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री को किस तरह से स्टडी करना है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आप नीट का, आईआईटी का जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें से 30% और 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो 11th क्लास की बुक्स से ही बिलोंग करते हैं। इसलिए 11th क्लास की बुक को स्टडी करना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है ना। तो इसको बोझ ना समझें कि एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं सर हमको, बोझ बिल्कुल मत बनाना है इसको। इसको एक नॉलेज का जरिया बनाओ, आप नॉलेज को ऑब्टेन कीजिए, वो आपके जीवन भर काम आएगी। क्लियर है ना। तो चलो मैं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता हूँ। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, डी ब्रोगली एक्सप्लेन अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और इन्होंने इस ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करते समय एक इक्वेशन को भी प्रपोज किया था जिसे हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर जो स्टडी करना है वो करना है डी ब्रोगली इक्वेशन को। डी ब्रोगली का इक्वेशन हम किस तरह से ओपन करें, और इन्होंने ड्यूअल नेचर जो मैटर की बताई है वो क्या बताई थी। देखो, एक तरह से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैं आपको स्टडी करा चुका हूँ, उनको हम लाइट रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइट रेज की जो नेचर होती है स्टूडेंट्स, उसको ड्यूअल नेचर माना गया है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। कोई भी एक थ्योरी से, वेव थ्योरी ले लें चाहे पार्टिकल थ्योरी ले लें, कोई भी एक थ्योरी जो है वो लाइट से रिलेटेड कंप्लीट जो फिनोमेना है उनको डिस्कस नहीं कर पाती है, ना तो वेव थ्योरी डिस्कस कर पाती है, ना ही लाइट, ये पार्टिकल थ्योरी डिस्कस कर पाती है। पार्टिकल थ्योरी जो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी वो पार्टिकल थ्योरी है, और ब्रोगली ने बताया था वेव नेचर के बारे में। लेकिन वेव नेचर जो होती है ये अकेला कोई भी, मतलब सारे के सारे जो फिनोमेना होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के और लाइट के, उनका एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर लाइट की जो नेचर थी उसको ड्यूअल माना गया था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और ड्यूअल नेचर में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को ही क्या थी, मान्यता दी गई थी। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो नेचर है वो ड्यूअल हो सकती है, तो ये जो मैटर होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैटर का फॉर्मेशन भी स्मॉल पार्टिकल से होता है, यानी कि एटम्स से होता है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉन्स से जब किसी भी मैटर का फॉर्मेशन हुआ था, इसकी नेचर भी कैसी होनी चाहिए? ड्यूअल होनी चाहिए, क्योंकि डी ब्रोगली बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटोन आते हैं। फोटोन आते हैं कि नहीं आते हैं? भाई मैक्स प्लांक ने हमको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनके अंदर जो क्वांटा होते हैं उन क्वांटा को, एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा बोला था, और क्वांटा को बाद में उन्होंने फोटॉन्स बोला था, और ये जो फोटॉन्स होते हैं इनके पास खुद की एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को मैक्स प्लांक ने बनाया, एक फॉर्मूले के द्वारा डिनोट किया था, E=hν, जो हमने निकाला है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर डी ब्रोगली ने ये बताया कि अगर फोटॉन्स के पास खुद की एक एनर्जी होती है, फोटॉन्स के पास खुद का एक मोमेंटम होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कोई भी मैटर उस एटम से फॉर्म होता है, समझना मेरी बात को, मैटर जो होता है उसका फॉर्मेशन एटम्स से होता है ना, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फोटॉन्स की एनर्जी के इक्वल मानी गई थी। अगर फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन का जो मोमेंटम है, जैसा मोमेंटम और एनर्जी फोटोन की है, ठीक उसी प्रकार से मोमेंटम और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होनी चाहिए। ये बात बोल रहे हैं कौन? डी ब्रोगली। और इसको एक इक्वेशन की तरह वो डिनोट कर रहे हैं। तो देखो पहले हम चेक कर लेते हैं। डी ब्रोगली प्रपोज्ड दैट, तो देखो इक्वेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं, डी ब्रोगली प्रपोज्ड दैट मैटर लाइक रेडिएशन एग्जिस्ट ड्यूअल बिहेवियर। मतलब डी ब्रोगली बोलते हैं कि जिस तरह से रेडिएशन ड्यूअल बिहेवियर को एग्जिस्ट करती है, ठीक उसी प्रकार से मैटर का भी ड्यूअल बिहेवियर होता है, ठीक है ना। बोथ पार्टिकल एंड वेव, और बिहेवियर कैसा है? बोथ वेव नेचर भी है इसकी एंड पार्टिकल भी है, ठीक है ना, यही तो है दो नेचर। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स जस्ट एज द फोटोन हैज जैसे कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन के अंदर क्या होंगे? फोटोन होंगे, और फोटोन के पास खुद का क्या होता है? मोमेंटम होता है। फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। भाई फोटॉन्स जो हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, क्वांटा जो हैं, फोटॉन्स जो हैं, उनके पास खुद का मोमेंटम है। मोमेंटम समझते हो ना आप? मोमेंटम P=mv। मोमेंटम जो होता है, मास और वेलोसिटी का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि फोटोन का कोई मास होगा और जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो उसकी वेलोसिटी होगी। भाई लाइट जिस वेलोसिटी से आती है, तो मास का और वेलोसिटी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? मोमेंटम मिल जाता है। तो जैसे फोटोन की मोमेंटम और वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए? मोमेंटम होना चाहिए एज वेल एज वेवलेंथ, और इसी प्रकार से क्या होनी चाहिए? उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे फोटोन के पास उसका वेवलेंथ और मोमेंटम होता है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के पास भी उसकी वेवलेंथ और क्या होनी चाहिए?
मोमेंटम होना चाहिए। डी ब्रोगली गेव ए रिलेशनशिप, डी ब्रोगली गेव ए रिलेशनशिप बिटवीन, डी ब्रोगली ने एक रिलेशन बताया किस किस के बीच में, बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, बिटवीन वेवलेंथ, वेवलेंथ को डिनोट करते हो लैम्डा से, एंड मोमेंटम, और मोमेंटम को डिनोट करते हो पी से, ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, मेटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में डी ब्रोगली ने एक रिलेशनशिप दी थी, और उस रिलेशनशिप को हम किस प्रकार से यहाँ पर हम निकालें। तो देखो स्टूडेंट्स, आप एक बार इस चीज़ को नोट कर लो, और मैं डी ब्रोगली के द्वारा जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है उसको प्रूव करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। उसके लिए हम थ्योरीज का यूज़ करेंगे और प्रूव करते हैं, आप एक बार इसको नोट कर लो। तो देखो क्या रिलेशनशिप दी थी डी ब्रोगली ने, तो देखो हम देखते हैं, फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी में जो फोटॉन्स की एनर्जी थी उसको मैक्स प्लांक ने बताया था इक्वल टू एच न्यू, और देखो आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा, तो क्या नोट कर सकता हूँ मैं, एच सी अपॉन लेमड़ा, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टाइन ने जो अपना इक्वेशन दिया था वो कौन सा था, आइंस्टाइन का इक्वेशन था स्टूडेंट्स क्या, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है क्या, एम सी स्क्वायर, सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, और हम यहाँ पर डिस्कस किसको कर रहे हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सी स्पीड है, वेलोसिटी है, और वी भी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो देखो इसको इक्वेशन नंबर टू डाल देता हूँ। इसके बाद चेक करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन से क्या निकाल, दोनों ई के इक्वल है ना, तो हम क्या नोट कर सकते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, नोट कर सकता हूँ ना। तो देखो इस सी से यहाँ पर एक सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा, और अपने को यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना है, अपने को वेवलेंथ निकालनी है यहाँ पर, किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बतानी है आपको, है ना। और लेमड़ा इक्वल टू क्या हो सकता है, एच अपॉन एम सी, वेवलेंथ आ गई ना, किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल ली हमने। अब देखो यहां पर जो सी है, लिख रहा हूं मैं यहां पर, हियर सी इज स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट कह सकते हो, है ना। और हम मेटेरियल जो पार्टिकल है, मेटेरियल का जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही था अपने पास, मेटेरियल पार्टिकल की हमको वेलोसिटी नोट करनी है, तो सी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, वी से। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मेटेरियल पार्टिकल को कैसे नोट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मेटेरियल पार्टिकल, इसको डिनोट कर दूं मैं किससे, वी से, है ना। मेटेरियल पार्टिकल को डिनोट कर सकते हैं किससे, तो आपका ये जो इक्वेशन है वो कैसा आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी आ जाएगा, है ना। और देखो वी नो दैट, मैंने अभी आपको बताया था मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है पी वो किसके इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, तो एम बी को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो ये रिलेशन आपके पास निकल के आता है।
अब ये जो मोमेंटम है पी, ये तो जो मेटेरियल पार्टिकल है उसकी पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है, और ये जो लैम्ब्डा है ये उसकी वेव नेचर को डिनोट करता है, क्योंकि ये वेवलेंथ है, ये तो वेव नेचर को बताता है और ये पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है। यहाँ पर समझ आ रही है ना बात? तो ये ड्यूअल नेचर आ गई ना किसकी, मेटेरियल पार्टिकल की। मेटेरियल पार्टिकल की ड्यूअल नेचर को निकालने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डी ब्रोगली ने ये जो रिलेशनशिप यहाँ पर हमको एक्सप्लेन किए, वो इक्वेशन आपके पास ये आता है, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हियर पी इज मोमेंटम ऑफ मूवेबल पार्टिकल, जो पार्टिकल वेलोसिटी में है, मूव करता हुआ है, उसका मोमेंटम क्या है, पी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डी ब्रोगली के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली इक्वेशन, जो हमको मैटर की ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। अब देखो ये मेटेरियल पार्टिकल है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मेटेरियल पार्टिकल है, और मेटेरियल पार्टिकल में जो लैम्ब्डा है ये तो उसकी वेव नेचर को डिनोट कर रहा है, और मोमेंटम जो है वो पार्टिकल नेचर को डिनोट कर रहा है मेटेरियल पार्टिकल की को, है ना, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का मास भी है और पार्टिकल का वेलोसिटी भी आपके पास है, और ये जो आपके पास वेव है उसका वेव लेंथ है, कितनी वेव लेंथ की जो वेव्स हैं वो इस पर आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये ड्यूअल नेचर को डिनोट करता हुआ फॉर्मूला आपके सामने डी ब्रोगली के द्वारा जो प्रपोज किया गया था उसको हमने सिंथेसाइज किया है, ठीक है ना भाई। तो आप इसको चेक करो और नोट करो। देखो इस इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूं मैं, और क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन, कैलकुलेट द मास of a photon containing 3.6 angstrom wavelength। ऐसा कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 3.6 angstrom है, और आपको उस वेवलेंथ वाले फोटोन की, फोटोन का मास कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, आपके पास वेवलेंथ गिवन है, और वो भी किस में, एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम की वेवलेंथ को आपको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है, 10^-10 मीटर। तो -10 मीटर, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया वेवलेंथ, है ना। अब आपको क्या निकालना है, देखो हम जानते हैं स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ फोटोन, अगर फोटोन की मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वो किसके इक्वल हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, भाई लाइट के अंदर ही तो आ रहे हैं फोटोन, तो दोनों वेलोसिटी इक्वल हो सकती हैं। अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हैं तो यहाँ पर डी ब्रोगली के अकॉर्डन मैं फॉर्मूला नोट करूँ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली का इक्वेशन कौन सा था बताओ, डी ब्रोगली ने जो लास्ट में निकाला था वो क्या था, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, यही तो निकाला था। अब यहाँ पर आप ये चेक करिए कि कौन क्या चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एम तो क्या है, मास है ना, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट,
और वैल्यू क्या है कांस्टेंट की, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकंड। और वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपने को डिटरमाइन क्या करना है, मास करना है। तो देखो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिखो, एम इक्वल टू क्या हो सकता है, एच अपॉन लैम्ब्डा वी, यही तो आएगा। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, एम इक्वल टू एच कितना है, 6.62 × 10⁴ डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा कितना आया, 3.6 × 10⁻¹⁰ × 3 × 10⁸। करो सॉल्व इसको, तो देखो सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6.62 × 10⁻ ये मल्टी, ये पॉजिटिव नेगेटिव कितना बचा, -2 बचा नीचे और -2 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो यहाँ पर -32 बचेगा, है ना। और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो क्या आएगा, 10.8 आएगा, यही तो वैल्यू आएगी आपके पास। अरे सही लिख रहा हूँ ना मैं। अब देखो क्या करना है आपको, अब आप क्या करो, पॉइंट को हटा दो, 6.62 आ गया अपॉन 1080 10⁻³⁺, है ना। अब 1080 का डिवाइड कर दो इसके अंदर, तो देखो कितनी बार जाएगा, 6.62 में 1080 यही तो वैल्यू है आपके पास। डिवाइड कर रहा हूँ मैं भाई इसका, अगर पॉइंट जीरो गया, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 6620 हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम ही तो जाएगा, 6 टाइम अगर जाएगा तो कुछ रिमेंस होगा। तो देखो यहाँ पर वैल्यू आती है बच्चों क्या, 6135 × 10⁻³। एम की वैल्यू आ रही है ये। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं नोट करूं तो कैसे नोट करूंगा, इसको नोट करेंगे आप लोग, एम इक्वल टू 6.135 × 10⁻²⁹ kg। ये आपके पास आंसर आता है किसका, फोटोन के मास का, ये फोटोन का मास आएगा भाई। कैलकुलेट हो सकता है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और चेक कर देते हैं क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg, ए बॉल हैव मास 0.1 kg, बॉल का मास कितना है 0.1 kg है, इज मूविंग विद 10 m/s वेलोसिटी, इज मूविंग विद 10 m/s वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, हाँ जी। देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द बॉल, देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द बॉल, बॉल का वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, और आपके पास गिवन है मास और क्या वेलोसिटी, है ना। तो देखो गिवन क्या है आपको, मास 0.1 kg और वेलोसिटी वो कितनी है 10 m/s, और आपको डिटरमाइन करना है वेवलेंथ। तो लगाओ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या है, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और आपको लैम्ब्डा डिटरमाइन करना है, तो सीधे सीधे रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, रखो 6.62 × 10⁻³⁴
डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू 0.1, वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। निकालो क्या आ गया, ये आ गया 662 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा नीचे 100 मल्टीप्लाई 34, कितना आ गया, ये ऊपर चली जाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, या फिर सीधे सीधे लेंगे तो 6.62 10 पावर माइनस 34 यही आ गया भाई मीटर, यही आएगा वेवलेंथ, है ना भाई। 100 से डिवाइड कर दो ना यहीं, 6.62 ही तो बचेगा, क्लियर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही सिंपल। तो देखो डी ब्रोगली इक्वेशन का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, और बड़े नॉर्मल हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल्स आपको खूब कराता हूँ, है ना। तो न्यूमेरिकल्स से हमको डरना नहीं है, हमको डरना नहीं चाहिए न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल को अगर हम ढंग से समझें, उसकी इक्वेशन को समझें, किस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर जो फैक्टर्स आपको गिवन होते हैं उनकी वैल्यूज़ हम ढंग से निकाल के लाएं नीचे की तरफ, और सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट करें, तो कैलकुलेशन ही तो करनी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हो तो आराम से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देते हैं, है ना। सिर्फ पकड़ना आना चाहिए अपने को, अपने को यह आना चाहिए कि क्वेश्चन जो गिवन है उसमें क्या पूछा गया है, है ना। तो ज़्यादा कठिन काम नहीं होता न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, आप इजी वे में इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट करिए इसको,